संभल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद डॉक्टर शफीक कुरहरमान बर्क ने पार्टी के खिलाफ बगावत बुलंद कर दी है। उन्होंने निकाय चुनाव में सपा प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय को अपना समर्थन दे दिया है। बर्क का कहना है कि पार्टी उन्हें लगातार नजरअंदाज कर रही है और उन्हें कोई सामान्य पार्टी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारकों में भी उनका नाम नहीं दिया और न ही टिकट बांटने में उनकी कोई राय ली गई। उनको लगता है कि बसपा ने यूपी में जो 11 मुस्लिमों को मेयर प्रत्याशी बनाया है उससे उसे फायदा होगा, लेकिन बीजेपी ने जो मुस्लिम को टिकट दिया है उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट नहीं करेगा। सपा सांसद ने कहा, अखिलेश यादव के सलाहकार ठीक नहीं है, इसलिए उनके फैसले गलत होते हैं। मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं, लेकिन कभी भी मुझसे कोई सलाह मशवरा नहीं करते। बर्क ने खुद को पार्टी में लगातार नजरअंदाज किए जाने पर कहा कि अब वक्त बताएगा कि क्या होगा। मैं तो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, मुझे इसकी कोई तकलीफ नहीं है कि पार्टी मुझे कोई पद नहीं दिया। लगातार 3 चुनाव में सपा की हार के लिए बर्क ने पार्टी को पॉलिसी और सलाहकारों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं समाजवादी पार्टी ने संभल में नगर पालिका टिकट पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद की पत्नी रुखसाना को दिया है। इसी से नाराज होकर संभल के सपा सांसद डॉक्टर ब्रह्म ने पार्टी प्रत्याशी का विरोध करते हुए निर्दलीय फरहाना सैफी को समर्थन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक न्यूज।